सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और गाइस, आपने जो अभी स्क्रीन पर वीडियो देखी, आपने ये वाली वीडियो इंस्टाग्राम रील पे ज़रूर से देखी होगी। गाइस, आप देख तो ये वाली वीडियो पे अभी तक 1.5 लाख व्यूज़ होने वाले। मेरे पास इंस्टाग्राम पर ये वाली वीडियो कई भाई ने सेंड करी थी कि भाई इस वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर आओ, ये कैसे बनेगी। सो गाइस, आज आपको मैं इसी वीडियो का ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ बहुत ही आसान तरीके से। बस आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा देना। आपका भाई डेली इंस्टाग्राम से रिलेटेड नए नए एडिटिंग की वीडियोस लाता रहता है। सो गाइस, आते हैं वीडियो की तरफ। गाइस, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में एक VPN डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। VPN आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, आप कोई भी VPN यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं यूज़ करता हूँ सिक्योर VPN, इस VPN का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद गाइस, आपको दूसरी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है CapCut। गाइस, मैं ये वाली वीडियो आपको VN से भी बनाकर दिखा देता, मगर गाइस VN से ये वाली सेम वीडियो नहीं बन सकती, क्योंकि VN में ये वाले सेम इफेक्ट नहीं है। क्योंकि कुछ भाई की कॉमेंट आ सकती है कि भाई VN से बनाकर दिखाते ये वाली वीडियो, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ VN में ये वाले सेम इफेक्ट नहीं है, इसीलिए मैं आपको CapCut से बनाकर दिखाऊंगा ये। और CapCut ऐप से बनाना बहुत ही आसान है, कैसे बनाना मैं आपको बहुत आसान तरीके से इसमें दिखाऊंगा, ठीक है। और एक बात और गाइस, आप CapCut कहाँ से डाउनलोड करोगे? आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा ये, आप चाहो तो गूगल से डाउनलोड कर सकते हो अगर आपसे आता है, वरना एक काम करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप वहां से ये वाली CapCut एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना जो मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। और एक बात और गाइस, आपके फ़ोन में पहले टेलीग्राम ऐप होना चाहिए, तभी आप डाउनलोड कर पाओगे। अब CapCut और VPN दोनों डाउनलोड करने के बाद गाइस क्या करना है, सबसे पहले आपको सिक्योर VPN ओपन करना है। इसका नाम है सिक्योर VPN, आप कोई भी VPN यूज़ कर सकते हो। अगर आपके फ़ोन में पहले से VPN है तो आप उसे भी ओपन कर सकते हो, सिर्फ हमें इसे कनेक्ट करना होता है। अगर हम इसे कनेक्ट नहीं करेंगे जो तो इसमें CapCut में जो हमारे इफेक्ट लगाएंगे वो शो नहीं होंगे। कनेक्ट पे क्लिक करके यहाँ से आपको इसे कनेक्ट कर लेना है, इसका ऐड आएगा आपको डायरेक्ट काट देना है इस तरीके से, ठीक है। और एक बात और, अगर कोई भाई आईफोन में CapCut एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसमें मैंने बताया कि आईफोन में CapCut एप्लीकेशन इंस्टॉल कैसे करें, और दूसरी वीडियो में मैंने बताया कि आईफोन में CapCut एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद इफेक्ट कैसे लगाएं उसमें, ठीक है। अब क्या करना है गाइस, यहाँ पर आप सबसे पहले आपने सिक्योर VPN खोल लिया, आपको CapCut एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ से गाइस आपको एक वीडियो ले लेनी है ये वाली, इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप ये वीडियो भी डाउनलोड कर लेना। फिर आपको फ़ोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ से गाइस आपको अपने 12 फ़ोटो ऐड करने हैं, मतलब आपकी एक वीडियो हो जाएगी ये वाली, और बाकी आप अपने 12 फ़ोटोज़ ऐड कर लेना। अगर आपके पास 12 फ़ोटोज़ नहीं है तो आप डबल भी आगे पीछे करके ले सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ से एक वीडियो और 12 फ़ोटोज़ ऐड कर लिए, नीचे ऐड पर क्लिक कर देना है। अभी गाइस आपको क्या करना है, आपको देखिए इस तरीके से आगे चलना है, जहाँ पर फ़ोटो चेंज होता है वहाँ से आपको वीडियो को स्प्लिट करना है। उससे पहले आपको एक काम और करना है, दो फिंगर से वीडियो की लेयर को इस तरीके से जूम कर लेना है, ऐसे आपको कट करने में आसानी हो जाएगी। इस तरीके से आपको आगे चलना है, जहाँ से मतलब ये वीडियो में हमें से पहले ये वाली और किसी की वीडियो डिलीट करनी है, जहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा, जहाँ पर फ़ोटो चेंज हुआ यहाँ पर आपको थोड़ा सा पीछे जाना है इस तरीके से, ठीक है। आप ध्यान से देखना वीडियो, बाद में आप कन्फ्यूज़ जाओगे किस तरीके से बनेगी। आपको इस वीडियो पर क्लिक करना है, यानी कि मैंने जब जहाँ से फ़ोटो चेंज हुआ इस वीडियो का, तो वहाँ पर मैं नीचे क्लिक करके नीचे स्प्लिट करके ये सेकंड वाली वीडियो का पार्ट मैं डिलीट कर दूँगा इस तरीके से, ठीक है। एक काम और करना है आपको, शुरू में आना है, यहाँ से गाइस आपको शुरू में ऑप्शन मिलेगा म्यूज़िक वाला, ये म्यूट क्लिप लिख रहा है ना, आपको इस वीडियो का म्यूज़िक यहाँ से बंद कर देना है, क्योंकि हम इसमें एक म्यूज़िक ऐड करेंगे तो डबल वॉइस आएगी। शुरू में आने के बाद आपको यहाँ पर नीचे ऐड पर क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करना है, नीचे एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। अब जो वीडियो आपने शुरू में ली थी आपको उसी वीडियो को यहाँ पर क्लिक करना है, जब आप इंपोर्ट साउंड करोगे तो उस वीडियो का म्यूज़िक निकल के नीचे आ जाएगा, आप देखते हो म्यूज़िक आ चुका है। अभी आपको क्या करना है गाइस, आपको अपने फ़ोटो के साइज़ कट करने हैं,
कितने कट करने हैं ये मैं आपको अभी बताऊंगा। उससे पहले आपको एक काम और करना है, आप देखिए हम जो हमारे आपके फ़ोटोज़ रहेंगे वो स्क्रीन पे फुल साइज़ में नहीं होंगे। तो ये कैसे करेंगे, आपको फ़ोटो पर क्लिक करना है इस तरीके से, इस तरीके से आपको जूम कर लेने सारे फ़ोटोज़। मैं थोड़ी सी लेयर इसकी छोटी कर लेता हूँ ताकि जल्दी जल्दी हमारा काम हो जाए। फ़ोटो पर क्लिक करना है, इसे जूम करके स्क्रीन पर फिट कर लेना है, क्लिक करना है जूम करके फिट कर लेना है, क्लिक करना है जूम करके फिट कर लेना है। यानी कि गाइस आपको अपने 12 फ़ोटोज़ को ना इसी तरीके से जूम करके सभी फ़ोटोज़ को फुल स्क्रीन पे फिट कर लेना है। सो गाइस यहाँ से मैं जल्दी जल्दी स्क्रीन पे फिल कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे बताऊँगा आपको क्या करना है। मैं आपको थोड़ा जल्दी बना कर दिखा रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आप अपने आराम से बना लेना। तो यहाँ पर मैं इसे फुल स्क्रीन कर चुका हूँ, इसे भी कर चुका हूँ। एंड में आपको ब्लैक वाले वाटरमार्क पे क्लिक करना है, ये एंडिंग लिखा है लास्ट में, इसे आपको डिलीट कर देना है। ठीक है, अभी गाइस आपको अपने फ़ोटोज़ के साइज़ कट करने हैं और इसमें एफेक्ट्स लगाने हैं। तो गाइस आपको फ़ोटो के साइज़ कितने कट करने हैं ये बताऊंगा मैं आपको। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको फ़ोटो के साइज़ कट कैसे करने हैं। ठीक है, मैं आपको एक दो फ़ोटो कर दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये अभी देखिए यहाँ पर ये टाइम आ रहा है, आप देख सकते हो ये फ़ोटो अभी 3 सेकंड का है, यहाँ पर आप देख रहे हो टाइम आ रहा है। ठीक है, ये 3 सेकंड का फ़ोटो है, तो हमें मान लो इसे जैसे बना रहा है 0.6 का, तो मैं इसे और पीछे लेके जाऊंगा यहाँ पर इस तरीके से खींच के। जैसे ही अभी फ़ोटो हो गया आप देखते हो 0.6S का, तो आपको इतना साइज़ रखना है इसका। अब आपको मैं एक एक फ़ोटो का दिखा देता हूँ कि मैंने कितना साइज़ रखा है, ऐसे आपकी अच्छे समझ में आ जाएगा। एक वीडियो मैंने पहले से बना के रख ली थी। ठीक है, मैं आपको साइज़ दिखा देता हूँ, आप ध्यान से देखिए, आप नोट कर लीजिए या आप देख देख कर वीडियो बना लेना। तो गाइस देखिए जो फर्स्ट वाले फ़ोटो का साइज़ रखा है ना मैंने, यहाँ पर रखा है मैंने 0.7S, ठीक है। सेकंड फ़ोटो का साइज़ है 0.6, थर्ड फ़ोटो का साइज़ है 0.7, फोर्थ फ़ोटो का साइज़ है 0.6, फाइव फ़ोटो का साइज़ है 0.6, सिक्स फ़ोटो का साइज़ है 0.7, सेवन फ़ोटो का साइज़ है 0.6, एट फ़ोटो का साइज़ है 0.7, नाइन फ़ोटो का साइज़ है 0.6, टेन फ़ोटो का साइज़ है 0.6, इलेवन फ़ोटो का साइज़ है 0.7, और आपका जो लास्ट वाला फ़ोटो रहेगा आपको म्यूज़िक के एंड तक कर देना, जहाँ पर आपका म्यूज़िक ख़त्म होता है। जैसे यहाँ पर म्यूज़िक ख़त्म हुआ है 0.5S पे, फ़ोटो मैंने यहाँ तक इस तरीके से कर दिया बासकुल आके। ठीक है, अभी आपको इफेक्ट लगाने, मैंने इसमें इफेक्ट लगा लिए है, मगर मैं आपको दिखा देता हूँ कि इफेक्ट आपको कहाँ और कैसे मिलेंगे। आपने VPN तो ओपन कर लिया होगा, आपने अपने फ़ोन में आपका VPN कनेक्ट होना चाहिए, तभी आपके ये फ़िल्टर वगैरह आएंगे। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले फ़ोटो पर क्लिक करना है, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एनिमेशन पर क्लिक करके, यहाँ पर आपको नीचे मिलेगा कॉम्बो पर क्लिक करके, यहाँ से आपको इफेक्ट लगाना है जिसका नाम है पेंडुलम 1। तो आपको थोड़ा सा आगे मिल जाएगा ये पेंडुलम 1 नाम से। ठीक है, सेकंड फ़ोटो पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको लगाना है पेंडुलम 2। थर्ड फ़ोटो पे क्लिक करना है, आपको लगाना है पेंडुलम 1। ठीक है, फोर्थ फ़ोटो पे क्लिक करना है पेंडुलम 2। फाइव फ़ोटो पे क्लिक करना है पेंडुलम 1। सिक्स फ़ोटो पर क्लिक करना है पेंडुलम 2। सेवन फ़ोटो पे क्लिक करना है पेंडुलम 1। इसी तरीके से गाइस एक के बाद एक आपको दोनों ये वाले इफेक्ट लगा लेने जो बराबर में पेंडुलम 1 पेंडुलम 2। एक फ़ोटो पे आपको पेंडुलम 1 लगाना है, सेकंड पे आपको 2 लगाना है, फिर 1 लगाना है, फिर 2 लगाना है। इसी तरीके से आपको सब फ़ोटोज़ पे ये वाले इफेक्ट लगा लेने हैं, और आपका जो ड्यूरेशन रहेगा ना ये, इसकी लाइन आपको फुल रखनी सभी की, और यहाँ से राइट कर देना है। ठीक है, अभी गाइस हमारी वीडियो बन गई है, एक बार मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ कैसी लग रही है। सो गाइस देखा आपने वीडियो कितनी प्यारी लग रही है, आई होप आपकी अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो गाइस आपको पसंद आई हो लाइक ज़रूर से करना, आपका भाई डेली इंस्टाग्राम से रिलेटेड नए नए एडिटिंग की वीडियोस लाता रहता है। और आपको वीडियो गैलरी में सेव करने के लिए सबसे पहले आपको इस साइज़ पर क्लिक करना है, यहाँ से इसका रिजोल्यूशन फुल करके फ्रेम रेट 30 करके ऊपर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके वीडियो को सेव कर लेना है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।